कलर्स को सीक्वेंस करेंगे और जिस बॉक्स पे डॉट बना है उसको हम इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं,
तो फिर हम देखते हैं, ये जो लास्ट लाइन है पिंक वाली, इसमें 1 2 3 4 डॉट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें कम अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले ये ही अरेंज करते हैं। तो लास्ट इसमें हम ये चारों को तो हटा नहीं सकते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट का, लास्ट पॉइंट पे ऑरेंज से मिलता जुलता है, तो हम इस ऑरेंज को यहाँ कर देते हैं। तो इस ब्लू को हटा के इस ऑरेंज से हम हटा दिए। इसके नेक्स्ट लाइन में दो तीन तीन बॉक्सेस में डॉट है, तो हमें दो लगाने हैं। तो इन दोनों के बीच में ये ऑरेंज से मिलता, ये पिंक वाली लाइन को हम कंप्लीट करते हैं पहले। तो पिंक से मिलता और ऑरेंज से मिलता ये है, तो हमने इसे कर दिया। अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर से मिलता हुआ कर देते हैं। ओके, अब इस लाइन में हमें 1 2 3 4 डॉट्स हैं, सिर्फ एक अरेंज करना है। तो ये किससे मिलता जुलता है? पर्पल से। तो हम पर्पल करके देखते हैं। ओके, अब ये ब्लू से मिलता जुलता शेड, तो इसको यहाँ करके देखते हैं। आई होप आपको ये गेम समझ आया होगा।